वॉशरूम कहाँ पे है? वो नीचे, नीचे का वॉशरूम खराब है, आप ऊपर चले जाइए। थैंक यू। वैभव। हाँ मम्मी। ये तो किसी का बेडरूम लग रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? और दरवाजा क्यों बंद किया? आप हटिए यहां से। मुझे एक्चुअली 2 मिनट चाहिए थे आपके। मैं काफी टाइम से मौका ढूंढ रहा था आपसे बात करने का, पर मौका ही नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? आपका वो लूजर पति वैभव छोड़ ही नहीं रहा आपको। आई मीन भवरे की तरह मंडरा रहा है आपके आगे पीछे। और हो भी क्यों ना, उसकी वाइफ इतनी खूबसूरत हो, हक बनता है उसका ना। मेरी फैमिली के सामने तो बड़ा शरीफ बनते हो, लेकिन हो तो तुम कुछ और ही। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत बिहेव करो, आई डोंट लाइक इट। अब हटिए मेरे रास्ते से। चाहते क्या हो तुम्हें? हाउ डेयर यू। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं शादीशुदा हूं। वही तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने शादी की क्यों। पर अगर शादी की भी तो उस लूजर से आपको तो कोई भी इंसान मिल सकता है, जो चाहे वो मिल सकता है, कोई भी। पर नहीं, तुमने शादी की उस हलवाई से। I can't believe this. वो फटीचर आपको कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं सब कुछ दे सकता हूँ। और लाइफ आपको एक मौका और दे रही है, you know, second chance. मैं हूँ तुम्हारा second chance. Trust me. मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों पे लाकर रख दूंगा। जिस चीज पे हाथ रखोगे वो चीज खरीद के तुम्हारे कदमों पर तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। छोड़ दो, just come to me. बस एक बार हाँ बोल दो, एक बार। काश पैसों से थोड़ी तमीज और नियत भी खरीदी जा सकती, वो मैं खरीद के देती आपको। लेकिन क्या है ना, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, प्यार भी नहीं। वैभव से प्यार करती हूँ मैं, उसका साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। आज बोलने की हिम्मत की है, दोबारा मत बोलना। आप तो बुरा मांगी, मैं तो बस Let me help you. Don't you dare touch me. आप तो बेकार में बिगड़ रही हैं। ऐसा क्या कह दिया मैंने? पसंद करता हूं मैं आपको, और अपनी पसंद को आपके सामने रखना गुनाह है क्या? क्या करूं मैं, जब से देखा है आपको पागल हो गया हूं। तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे ससुर को बिजनेस पार्टनर बनाया, उस 2 कौड़ी के बिजनेस के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया, और तुम्हारे बेरोजगार पति को नौकरी दी अपने 5-star होटल में, वो भी शेफ की। मुझे क्या मिला? फिर भी मेरी कोई कदर नहीं? ओके फाइन, तुम्हें अपने पति वैभव के साथ रहना है, रहो। आफ्टर ऑल आई एम अ बिजनेसमैन। तो एक बीच का रास्ता निकालते हैं। तुम्हें करना ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें यही करना है कि अपने कुछ दिन मुझे देने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम रिलैक्स।
ठीक है, कुछ दिन भी नहीं। अगर तुम्हें ये डील भी नहीं पसंद तो फिर कोई बात नहीं, एक और ऑप्शन है मेरे पास। अगर तुम कुछ दिन नहीं दे सकती तो फिर एक रात। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे सोचने की भी? घर चलेंगे पापा, मम्मी यहां मन नहीं लग रहा। हाँ बेटा चल, ना तो शर्म के मारे खड़ा नहीं रह जा रहा। मैं श्रेया को लेकर आता हूं। श्रेया, तुम यहां क्या कर रही हो? वैभव, तुम यहां पे क्या कर रहे हो? वैभव, मैंने बोला था ना, कुछ तो वजह है कि ये हमारी इतनी मदद कर रहा है। क्या बोल रही हो श्रेया तुम? वैभव, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ऋषभ है नहीं। इसकी नीयत तो पहले से ही ठीक नहीं थी, आज तो इसने। श्रेया, हुआ क्या? कुछ नहीं, नथिंग, सिर्फ तारीफ की है मैंने, गलत समझ लिया। शट अप ऋषभ, इनफ। इतने दिन से कुछ नहीं बोली क्योंकि डाउट था तुम पे, लेकिन आज तो यकीन हो गया कि तुम एक नहायत ही बदतमीज इंसान। तुम्हें पता है वैभव इसने क्या किया? तो सुख सागर नमकीन में आके जान मुझसे टकराया और लिटरली He was touching me. फिर वो कम पड़ा तो वो महेश्वरी ज्वेलर्स में भी आ गया। कितने सारे नेकलेस ट्राई करवाए उसने। और उसके बाद ही he was touching me here, here and वो कम पड़ा कि उसने ये पार्टी रखी मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और ड्रिंक्स फिल किया और फिर पता नहीं उसके मैनेजर को मुझे बोला कि मैं इसके बेडरूम तक जाऊँ। और मेरे पीछे पीछे और दरवाजा बंद कर दिया। हिम्मत कैसे हुई? रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट कम। अब जब तुझे सब कुछ साफ साफ पता चली गया है तो एक काम करते हैं, साफ साफ भाग कर लेते हैं। आई लाइक योर वाइफ, दिल आ गया मेरा तेरी बीवी पर, पसंद करता हूं उसे। जो मुझे पसंद आ जाती है चीज, उसे मैं पाके रहता हूं किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। मैं क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए और तेरे परिवार के लिए। तेरे बाप को मैंने बिजनेस पार्टनर बनाया, तू कौड़ी का नमकीन, और मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए, तुझे नौकरी दी शेफ की 5-star होटल में। ठीक है, तेरी पगार डबल कर देता हूं। बस एक काम तुम्हें करना होगा, वो ये कि कभी कभी अपनी बीवी को मेरे पास छोड़ के चला जाए करना। तुम भी खुश, मैं भी खुश, यू नो, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस, प्लीज है। हिम्मत कैसे हुई? अपनी गंदी जुबान से श्रेया का नाम भी मत लेना। पागल हो गया, शर्म नहीं आएगी।
अरे क्या सोचा तेरे बारे में और तू क्या निकला? श्रेया के पास भी बताना नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। साले बदतमीज। छोड़ो, छोड़ो। लेकिन आवाज को, लड़ाई बाहर रखो। क्या बाहर देखो? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बदतमीजी करने की? छोड़ो। लेकिन आवाज। एक शब्द मैं बोला तो मार दूँगा तो जान के लिए। वैभव, अरे क्या कर रहे हो? छोड़िए इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़िए इसे। ऋषभ जी क्या, छोड़िए। अरे छोड़ो। गलती होगी मुझसे। इनवाइट किया आपको अपने घर में, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। हुआ क्या लेकिन ऋषभ जी? देखिए आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज लीव, लीव माय हाउस राइट नाउ। चलिए मम्मी, चलिए। अरे उठा तो मैं जय बम। लेकिन कोई बात, मेरे परिवार से दूर रहना नहीं तो जान से मार दूंगा। क्या लिया हूं? Destroy him out. Security, लेके जाओ इसे। अरे छोड़ो। तू चल मेरे साथ। छोड़ो। अरे छोड़। मार दूंगा जान से। Idiot. Music क्यों बंद हुआ? Please, enjoy the party. Please have a seat. सर, वैभव ने आपके ऊपर हाथ उठाया, आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? बदला उसी वक्त नहीं लिया जाता, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे तो आइडिया भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। श्रेया अब खुद चलकर आएगी मेरे पास। प्लीज। अरे पापा, ये देखा आपने, ऋषभ वर्मा का मैसेज आया, उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। आप लोग तो उसकी पार्टी में गए थे ना, कितने अच्छे से इनवाइट किया था उसने, फिर अचानक से क्या हुआ? अरे वैभव, ऐसा क्या हो गया पार्टी में? मेरा और ऋषभ का झगड़ा हो गया। तूने तूने पता है तूने किसके साथ झगड़ा किया? ऋषभ वर्मा के साथ। अरे इतना बड़ा आदमी है वो, झगड़ा करने की जरूरत क्या थी? झगड़े की वजह क्या थी? अरे वजह कुछ भी हो, वैभव तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो? हे भगवान, ओ गॉड, वैभव लाखों का माल बनाकर दुकान पर रेडी पड़ा है और ये ऋषभ वर्मा ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इसका मतलब तू समझता है, पूरा माल हमारे सर पे पड़ गया और तेरी नौकरी जाएगी वो अलग। भैया वैभव की कोई गलती नहीं है, ऋषभ ने मेरे साथ बदतमीजी की, ये वैभव बस मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा वैभव, खुल के बताओ आखिर ऐसा क्या हुआ जो तूने ऋषभ पे अचानक हाथ उठाया? नहीं बोलेगा कुछ? मम्मी, ऋषभ की नजरें मुझे पहले से ही ठीक नहीं लगती थी, वो जैसा इंसान दिखता है वैसा है नहीं। वाह श्रेया वाह, और तुम ठीक है नया अवतार है तुम्हारा, वैसे तो सबको बड़ी सही गलत की क्लास देती रहती हो, तुम्हें क्या हो गया अचानक से? किसी हाई प्रोफाइल पार्टी का इनविटेशन आया नहीं, तुम्हारे तो परी निकला है। खुद ऐसी ड्रेसेस पहन के जाती हो और बोलती हो उसने तुमसे बदतमीजी की, तुम पे गंदी नजर डाली। भाभी एक औरत होके आप ऐसे कैसे सोच सकती है? बदतमीजी ऋषभ ने की मेरे साथ, गलती उसकी है, अब मुझे और मेरे कपड़ों को ब्लेम कर रही है? क्यों, सूट और साड़ी पहनने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं होती? ओ प्लीज श्रेया, अपनी गलती ढकने के लिए ना ये ज्यादा लेक्चर मत दो मुझे, क्योंकि ये सब बातें सिर्फ सोशल मीडिया पे अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में नहीं। हाँ, ऐसे रिवीलिंग ड्रेस पहन के जाओगी, कोई तुम्हारी आरती उतारेगा क्या? अरे कम से कम घर की इज्जत का तो ख्याल रखती।
दीदी आप भी? श्रेया वो जो भी हो, लेकिन तुझे ऐसे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी बेटा? आज से पहले तो मैंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में कभी नहीं देखा, फिर अचानक क्या हुआ? कम से कम वैभव के पापा का तो लिहाज क्या होता? मम्मी मुझे नहीं पहननी थी ये ड्रेस, मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं हूँ इसमें, लेकिन वैभव इतने प्यार से ले आए मेरे लिए, मैं मना नहीं कर पाई। उसने मुझसे प्रॉमिस भी लिया था कि मैं यही ड्रेस पहनकर जाऊं पार्टी में। I'm sorry, मैं मना नहीं कर पाई। वैभव, श्रेया क्या बोल रही है? ये ड्रेस तू ला? कुछ बोलेगा? अरे अरे अरे, चलो रोहित। सब बेड़ा कर कर दिया इन दोनों ने। श्रेया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर वैभव ने तुम्हें ये ड्रेस दी भी तो तुम्हें तो समझना चाहिए ना, सबके सामने क्यों पहन के आ गई तुम? मम्मी, मुझे ये ड्रेस नहीं पहननी थी, वो तो बस। सब समझ गई, ये सब अलक्ष्मी की वजह से हो रहा है, ये सब अलक्ष्मी का प्रभाव है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि दिव्या से मत मिलो, देखा उसकी वजह से क्या हुआ। 2 घंटे पहले तक हम सब खुश थे, सब सही जा रहा था, और एक ही पल में सब बिखर गया। इनका बिजनेस, वैभव की नौकरी, सब कुछ। अब खुश हो? अपने मन की करके तुम्हें खुशी मिली? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी श्रेया। वैभव, नाराज हो मुझसे? क्या है श्रेया, क्या है ये सब? कहां से आई ये ड्रेस? लेकिन वैभव, ये ड्रेस तुमने ही तो दी थी ना। मैंने दी थी? अरे मैं क्यों दूंगा ये बेहुदा सी ड्रेस? वैभव, मैं सच कह रही हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था जब मैंने ये ड्रेस देखी थी यहीं पे। रुको, ये देखो, गिफ्ट रैप की हुई वार्डरोब में मिली थी, इस पे विद लव भी लिखा है, कौन लिखेगा? ये लाया था तुम्हारे लिए, सारी लाया था श्रेया, ये ड्रेस नहीं। ये किसने दी? वही तो पूछ रहा हूं श्रेया, किसने दी? ऋषभ का मैसेज तुम्हारे फोन, पार्टी में कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाया इसलिए यहां मैसेज कर रहा हूं, ये ड्रेस तुम पे बहुत से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। ये ड्रेस ऋषभ ने दी तुम्हें? I swear, वैभव, मुझे नहीं पता था। तो किसे पता श्रेया? वैभव, मुझे लगा तुमने दी है ये ड्रेस। वैभव, ट्रस्ट मी, मैं ऐसी ड्रेस कभी पहनती ही नहीं, और मुझे सच में लगा कि तुमने दी है। मुझे पता होता कि ये ड्रेस ऋषभ ने दी है, मैं तभी उठा के फेंक देती। हिम्मत कैसे हो? हाँ,
इतना कुछ होने के बाद भी हाउ डेयर यू यू कॉल मी? चिल चिल रिलैक्स काम डाउन। इतना गुस्सा अभी भी? मुझे लगा तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। खैर मैं हमेशा दूसरा मौका देने में बिलीव करता हूँ। तू लकी है, तुझे एक और मौका मिल रहा है। एक काम कर, तू जॉब भी रख ले, अपनी दुकान का कॉन्ट्रैक्ट भी रख ले, बस एक चीज मुझे दे दे, तेरी ब्यूटीफुल वाइफ। अपनी औकात में रह ऋषभ, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई श्रेया के बारे में सब बोलने की? हाँ, अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपनी जॉब अपने पास रख, और खबरदार एक शब्द भी बोला श्रेया के लिए। तरस आता है मुझे तेरी हालत देखकर। अपने ब्राइट फ्यूचर को तो ठोकर मार रहा है, लूजर बाप के लूजर बेटे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि श्रेया जैसी लड़की ने तुझे क्यों पसंद किया? ऐसा क्या देखा तेरे अंदर? You're just a loser, you know that? इसलिए तेरे पे एहसान कर रहा हूं, तू नौकरी रख ले और अपनी बीवी भेज दे। शुभ नाम।